कोटि स्वागत अभिनंदन है बंद। हमारे इसके साथ मैं अपने विद्वान वरिष्ठ वैज्ञानिकों का एवं सारे योगी भाई बंधुओं का भी स्वागत करती हूँ और उनका कोटि कोटि नमन करती हूँ। जैसे आज आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और योगा की उत्पत्ति भारत से ही हुई है और 2000 वर्ष पूर्व पतंजलि ने हमारे जो ऋषि रहे हैं उन्होंने सर्वप्रथम इसको लिपिबद्ध किया है। हम जो योगा डे मना रहे हैं वो 8वां योगा डे है और मैं डॉक्टर ज्योति से निवेदन करूंगी कि वो प्रकृति की एक छोटी भेंट डॉक्टर रंगनाथ प्रसाद को समर्पित करें। आप सभी लोगों को इंटरनेशनल योगा दिवस की बहुत बहुत बधाई। और ये योगा दिवस जो इंटरनेशनल योगा दिवस है वो इसलिए मनाया जा रहा है कि हम लोग एक हेल्दी लिविंग के साथ में रहें। हेल्दी लिविंग का मतलब ये है कि आपका खान पान है, आपका वर्किंग स्टाइल है, उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है लोग कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करें। फिज़िकल एक्टिविटी तो जिम में जाके भी करी जा सकती है लेकिन योग के माध्यम से हम हर तरीके की बहुत सारी बीमारियाँ बहुत सारे रोगों से दूर रह सकते हैं। जैसे योग में एक तरीके से जब हम एक्सरसाइज करते हैं या उसमें केवल हमारी बॉडी वर्क करती है बट योग जो है वो आपको एक तरीके से बॉडी को उसकी आत्मा के साथ बांधने की कोशिश करता है। और जैसे कि हम लोग जिस तरह से जो हम लोग का वर्किंग मेथड है सारा दिन हम लैब में बैठे रहते हैं, खासतौर से हमारे पूरे 7-8 घंटे हमारे कंप्यूटर के आगे गुजरती हैं जिसमें कि कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर थोड़ा सा भी हम लोग केवल खाली एक योगा दिवस मनाने के लिए खाली एक दिन ही ना करें, उसको एक तरीके से अपने उसमें सिस्टम में लेके आए और इसको हम रोज़ ही इसको करें तो शायद बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत छोटी उम्र में भी लोगों को बहुत तरह तरह की बीमारियाँ होने लग रही हैं और अब जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इस तरह की तो बिल्कुल आम बात हो रही है और कम एज में लोगों को इतनी जल्दी होने लग गया है। तो योग के माध्यम से इन सारी बीमारियों से आदमी दूर रह सकता है। एक बहुत अच्छी बात मैंने कल मैं देख रही थी कि बहुत सारे जो हमारे लिम्फ होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं और उसमें से सिक्रीशन होता है, सो एक्सरसाइज करने से वो लिम्फ सिक्रीशंस वगैरह जो है वो पॉसिबल नहीं होते लेकिन योग के माध्यम से उनका भली भांति से वो उनका ड्रेनेज होता रहता है जिससे कि बहुत सारे हार्मोन्स का को रेगुलेट करता है वो बहुत तरह तरह की बीमारियाँ जो है लोगों को उससे मिली। दूसरी चीज़ है कि प्राणायाम जो है बहुत ज़रूरी है, खासतौर से जो भी लोग जो हैं काम करते हैं जिनका कि मेंटल वर्क बहुत होता है तो प्राणायाम एक तरीके से एग्जाइटी दूर करता है हमको। जब हम ब्रीदिंग को अपनी रेगुलेट करते हैं तो उससे हम अपनी एंग्जाइटी को भी किसी तरह से रेगुलेट कर पाते हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्ट्रेस तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ और इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है योग। और योग के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि मैम ने तो अभी बहुत सारी बातें बता दी है कि योगा करने से हमारी शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक बीमारियाँ भी दूर होती है। तो इससे मैं ये बताना चाहती हूँ कि योग करना बहुत ज़रूरी है, उसे हमें नियमित रूप से करना चाहिए, रोज अपने रूटीन वर्क में उसे लेके आए। एक दिन से करने से कुछ नहीं होता क्योंकि योगा हमारा एनर्जी लेवल बढ़ाती है, हमारा स्टैमिना बढ़ाती है और हमारी बॉडी पूरे दिन एक्टिव रहती है। अगर आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं एंड यू विल फील गुड। गुड मीन्स आप हमारे ऋषि मुनि भी किया करते थे और ये एक पुरानी पद्धति है, ओल्ड टेक्निक है जिसे हम अपनाते हैं। और आज का जो नया फॉर्म है, एडवांस फॉर्म है, वो डायनेमिक योगा है और पावर योगा है। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार से है। योग कर
योग कर अपने शरीर को तू निरोग कर, योग कर अपने शरीर को तू निरोग कर, अपने शरीर की जकड़न को भगा, अपने शरीर की जकड़न को भगा, अपने शरीर की अकड़न को भगा और योग करके तू, और योग करके तू अपने अंदर एक ऊर्जा जगा, अपने अंदर एक ऊर्जा जगा, योग कर अपने शरीर को तू निरोग। तू न रहे काम में हमेशा व्यस्त, तू न रहे काम में हमेशा व्यस्त, क्यों कर रहा है तू अपने जीवन को अस्त, योग कर और योग कर और अपने जीवन को तू बना हस्त, योग कर और अपने जीवन को बना तू मस्त। इसलिए तू योग कर अपने शरीर को तू निरोग कर। तू एक नर है, तू एक नारी है, तू एक नर है पर शरीर तेरा बीमारियों का घर है और योगा बीमारियों को दूर भगाने की जड़ है, तो तू योग कर, बस योग कर अपने शरीर को निरोग। क्या तेरे अंदर तनाव है, क्या तेरे अंदर भाव है, योग कर तनाव भर, अब योग करने से तू ना डर, बस योग कर अपने शरीर को। इसकी जानकारी सबको दें और उसके बाद योगा शुरू किया जाए। आप सब यहाँ आमंत्रित हैं और आज हमने जो योगा सेशन डिफाइन करा है वो हमने अपने इंस्टीट्यूट के डेली रूटीन के हिसाब से प्लान करा है एंड वी हैव डिवाइडेड दिस सेशन इनटू फोर डिफरेंट सेक्शंस। हमारा जो वर्कआउट रूटीन होना चाहिए वो भी इसी तरीके से होना चाहिए कि हमें पहले वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप इज़ वेरी नेसेसरी इवन फॉर योगा। योगा में भी हमें पहले स्ट्रेचिंग करना चाहिए और स्ट्रेचिंग के बाद ही हमें एटलीस्ट 15 मिनट स्ट्रेचिंग करना चाहिए और अपनी हार्ट बीट को थोड़ा रेस करना चाहिए। हार्ट बीट रेस करेंगे और प्लस थोड़ा अपनी जितनी भी जॉइंट्स हैं उसको ओपन करना है, मसल्स को एक्टिवेट करना है और इन उसके बाद ही हमें मेन योगा रूटीन को स्टार्ट करना चाहिए। तो पहला सेक्शन हमारा होगा वार्म अप सेशन जिसमें हम लोग अपनी बॉडी के मसल्स को एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद सन सैल्यूटेशन जिसे हम सूर्य नमस्कार कहते हैं उसके कुछ 12 आसन होते हैं। हमें उन 12 आसन को करेक्ट टेक्निक से करना चाहिए, उसका राइट अलाइनमेंट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने आसनास को सही से नहीं करा तो उसका इम्पैक्ट हम पे नहीं आता, फिर हम कहते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए पहले राउंड में हम डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी हमें सन सैल्यूटेशन सूर्य नमस्कार के 12 आसनास को एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करके कराएंगे और उसके बाद हम उसके 2 राउंड्स को अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग आपको हर एक आसनास में सपोर्ट करेंगे। अगर आप उस आसन में नहीं जा पा रहे हैं वी हेल्प यू आउट विद दैट। उसमें हम इजी मॉडिफिकेशन भी बताएंगे, मॉडरेट भी बताएंगे एंड एडवांस लेवल जो एक्चुअल आसना है वो भी बताएंगे। देन कमिंग टू द सेक्शन 3। सेक्शन 3 में ठीक है सन सैल्यूटेशन हम डेली कर सकते हैं लेकिन उसके साथ हमारी कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। कभी हमें लॉन्ग सिटिंग आवर्स की वजह से बैक में पेन होता है, हिप जॉइंट्स में पेन होता है या फिर हमें शोल्डर में पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, नीज एंड देन सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स ऑन चेयर वी हैव स्टार्टेड हैविंग स्वेलिंग इन आवर एंकल्स। इन सारे स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए कुछ मैजिकल आसनास होते हैं जिनको अगर हम अपने वर्किंग आवर्स के बाद घर जाके प्रैक्टिस करते हैं। वी गिव एटलीस्ट 15 मिनट्स टू दीज आसनास एंड वी होल्ड देम फॉर एटलीस्ट 5 डीप ब्रेथ्स। तो ये आसनास हमें क्विक रिलीफ देने में काम आते हैं। हम इन स्पेसिफिक आसनास जिसकी वजह से हमारा पोस्चर इरेक्ट होगा और हमारी बॉडी का पेन दूर होगा और हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस है जो हम अक्यूमुलेट करते हैं ना शोल्डर्स एंड ना हिप्स वो हम रिलीज कर पाएंगे। उन स्पेसिफिक आसनास को हम पहले उसकी राइट अलाइनमेंट देखेंगे और फिर उसको हम एक राउंड प्रैक्टिस करेंगे फॉर 5 डीप ब्रेथ्स। उस प्राणायाम सेशन वो प्रेमराज उदंडम हमें बताएंगे एंड वी विल बी गोइंग इनटू द कूल डाउन सेशन एंड उसमें हम डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स और उसे करेक्टली कैसे करना चाहिए ये हम सीखेंगे। तो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। दिस इज अ 2-hour सेशन। आई होप यू ऑल हैव अ गुड टाइम इन द नेक्स्ट 2 hours and we are hoping for the 1 2 3 1 2 3 1 2 3 jinko knees mein
में प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, लेकिन वो बहुत लाइट करेंगे पीछे आगे पीछे, और हम वार्म अप इसलिए करते हैं ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा हो, एक एनर्जी पैदा हो, एनर्जी लेने की तभी हम एक्टिव। Releasing the stress from our body. अब ये सेक्शन हमने क्यों इंट्रोड्यूस करा है? बिकॉज ऑफ आर डेली रूटीन, वी नो आजकल की लाइफ में हम या तो वी हैव लॉन्ग सिटिंग क्लास और लॉन्ग स्टैंडिंग क्लास। फॉर स्टूडेंट्स वी आर सिटिंग इन ऑन वी आर स्टैंडिंग इन द मैसरेशन रूम फॉर द होल डे, और वी आर सिटिंग ऑन द माइक्रोस्कोप फॉर द होल डे। विद डैट वी डेवलप नेक पेन, शोल्डर पेन, और उसके बाद फिर जब हम कंप्यूटर में बैठे हैं, पेपर्स राइट कर रहे हैं, देन वी आर सिटिंग फॉर द होल डे। ये जब हम लॉन्ग आवर्स में बैठते हैं तो हम स्लाउच करने लगते हैं। इवन इन मीटिंग्स इन वी सिटिंग फॉर 3 or 4 hours, आर बैकबोन इज नॉट स्टेबल, हम इरेक्ट नहीं बैठ पाते एंड वी टर्न टू स्लाउच डाउन। उसकी वजह से हमें ना ही केवल हमारा पोस्चर बिगड़ता है और हमें कुछ क्रोनिक डिजीजेज भी होती हैं। पोस्चर तो बिगड़ते ही, जैसे हमारे शोल्डर स्लाउच करने लगते हैं, हमें हंच बैक हो जाता है, यहाँ पे नेक बैक भी डेवलप होने लगता है, और इसके अलावा कुछ क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं, जैसे लंग्स की कैपेसिटी रिड्यूस होने लगती है। जब हमारे शोल्डर्स नीचे होते हैं तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी रिड्यूस होती है, वो प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर पाते, उसके साथ हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी प्रॉपरली वर्क नहीं करते, एंड वी ऑल्सो टर्न टू डेवलप सम कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। सो वी विल टेल यू सम एट आसनास, यू कैन पिक अप 5 आसनास आउट ऑफ दैट एंड मेक इट इन टू प्रैक्टिस अलॉन्ग विद योर सन सैलूटेशन और एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज यू आर डूइंग। So the first asana in this posture correction section is warm up handstand भी कहते हैं, या फिर warm up asana। तो warm up asana करने के लिए पहले मैं आपको demonstrate करके बताती हूँ, फिर हम और इन आसनास को हमें 5 deep breaths के लिए hold करना है। जैसे sun salutation में हमने dynamic करा था, इसमें हमें hold करने की कोशिश करना है। शायद आप starting में 2 breaths के लिए कर पाए, धीरे धीरे आप 5 breaths तक करने लगेंगे, फिर 10 breath cycle तक भी कर सकते हैं। तो आई विल टेल यू ईच एंड एवरी आसना डेमोन्स्ट्रेटेड, उसके 3 वेरिएशन भी बताएंगे, ईजी, मॉडरेट एंड एडवांस लेवल, एंड उसके बाद फिर हम जो भी आसन में जिस फॉर्म में हम कंफर्टेबल हैं हम उस आसन को परफॉर्म करेंगे। सो आई स्टार्ट विथ गोमुख आसना। गोमुख आसना में आप अगर नटरासन में बैठ पा रहे हैं तो क्रॉस चेक करते हैं, दैट इज गोमुख, राइट, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अगर
फिर अपना लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाइए और इंटरलॉक करने की कोशिश करें। हाँ हाँ, अब जब आप इंटरलॉक करेंगे लाइक दिस, यू हैव टू इंटरलॉक योर हैंड्स। अगर नहीं हो पा रहा इंटरलॉक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ तक आपका मन है आप केवल टच कर सकते हो। अगर नहीं तो अगर आपके पास स्ट्रैप है घर पे, यू कैन होल्ड योर बोथ द हैंड्स विद द स्ट्रैप और जो पता उसे होल्ड कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से देखना है, योर चिन शुड बी पैरेलल टू द फ्लोर, ऊपर नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है, इससे नेक पेन होने के चांसेस होते हैं। सो ट्राई टू लुक इन फ्रंट एंड होल्ड दिस पोस्चर फॉर 5 मिनट्स। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो केवल किस हाथ से ऊपर ले जाके दूसरे लेफ्ट हैंड से आप उसको अपने एल्बो को सेंटर में पॉइंट करें एंड ट्राई टू स्ट्रेट इट। एल्बो को जितना सेंटर में पॉइंट कर सकते हैं, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेच ऑन योर शोल्डर, अपर बैक एंड योर नेक। ये हमारे पोस्चर को रेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरीके से हम लेफ्ट साइड को देखिए, लेफ्ट साइड है एंड उसे करूँगा लेफ्ट ऑफ योर अपर बैक एंड देन फुल इट इन द सेंटर ऑफ द। हाँ जितना हो सके, हाँ और ये भी है, हो सकता है राइट से पकड़ पा रहे हैं लेफ्ट से नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये हमारे साथ भी होते हैं कि एक साइड लूज होता है, एक साइड टाइट होता है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपने आप होने लगता है, तो ये बहुत आसान है। तो हम एक को नीचे से पकड़िए या फिर ऊपर से देखो एंड गो फॉर 5 1 2 3। Try to hold your
एंकर्स विद योर पाम, जितना पकड़ सकते हैं उसको पकड़ो, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, इसको थोड़ा पैर को स्ट्रेचर भी रखेगा, स्विंग में चलिए छुट्टी मिल कर दबाओ अपना बैक को उठाइए। अगर इस पोजीशन में आप आ रहे हैं, ठीक है,
राइट हम को लेने की कोशिश करेंगे एंड टेक योर राइट आर्म इन बिटवीन योर लेफ्ट आर्म एंड देन रेस्ट योर एंटायर अपर बॉडी ऑन योर राइट शोल्डर लाइक दिस एंड ब्रीथ फॉर 5 काउंट इन दिस पोजीशन यू हैव टू होल्ड इट इन दिस पोजीशन फॉर 5 काउंट इसके बाद ऊपर आइए इंहेल करिए एंड वापस आइए पोजीशन में इसी तरीके से साइड में करिए इंहेल गो डाउन एंड रेस्ट योर इससे शोल्डर में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होता है और हमारे नेक एरिया को भी रिलीफ होता है एंड जनरल मोड ऑफ कंफर्ट होना आगे एंड यू कैन टेक डीप ब्रेथ्स वॉक एंड बैक टू द पोजीशन दिस इज हेड रिलीज तो एक बार हम कर सकते हैं सीधे स्टार्ट से दिस एंड बी बार यू डोंट हैव टू डू इट ठीक है तो तुम कोशिश कर सकते हो ऐसे ही करके यू कैन गो डाउन यू कैन पूरा अंदर नहीं करके प्ले करके ठीक है जिस अपने हाथ में गेट ऑन योर पोज बैक बोन स्ट्रेट होनी चाहिए न्यूट्रल हाँ फिर तो स्ट्रेट रखनी आज मिल जाए नहीं नहीं हाथ भी रहे हाथ भी हाँ और रिस्ट इट शुड बी लाइन विद योर शोल्डर हाँ अब राइट हैंड ऊपर ले जाएंगे और बाएं हाथ के अंदर से ले जाकर उसी तरफ ले जाएंगे और लेट पाए तो उसी उसी में ले जाएंगे मतलब उसी राइट शोल्डर पर यू कैन गो डाउन Thank you.
उसके बाद इनहेल करते हुए ऊपर देखिए एंड आर्च योर बैक, ऊपर देखिए और आर्च करिएगा, हिप्स ऊपर आएंगे, बैक आर्च हो और एक्सहेल करते हुए फुल योर एब्डोमेन अंदर की तरफ खींचेंगे और लोड करेंगे अपनी बैक देखना है, बैक करनी है।
अपना पैंट बैक स्ट्रेट हो सकती है, उठना स्ट्रेट हो सकता है, जैसे उठने का आश्वासन। इसी तरीके से आगे उठी, वापस निकलने के लिए सिधाई में करना पास, फिर उसके बाद फिर आगे ले जाएगी एंड देन अगेन बैलेंस मेंटेन करके ओके लो पास एंड ब्रीथ। उसके लिए अगेन यू विल गो टू आश्वासन एंड देन गेट अप एंड देन लुक बैक, पीछे की तरफ आपको पेंट करना एंड होल्ड इट। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो उनके रेस्ट कर लीजिए, रेस्ट करिए जितना आप सेव कर सकते हो, सेव करो सिट्स डाउन लुक अप लाइक दिस। ठीक है, इसके आ जाएंगे फिर फर्दर आसन में आएंगे और लेफ्ट की तरफ भी ऐसे करेंगे। इट इज अ वेरी गुड चेस्ट वर्क, तो हमारी एनर्जी को भी रिलीज करने में हेल्प करता है, हम कोई चीज़ को अपने माइंड में गांठ बांध के बैठ जाते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा आसन है, जो हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, प्रेजेंट सिचुएशन से हमें अवेयर कराता है और हमारे माइंड को ईज आउट करने में हेल्प करता है। See that your right thing, right shoulder, then coming to the right.
पुल राइट पार्ट ऑफ योर एब्डोमेन, राइट हिप्स, राइट थाइस, राइट नीज, राइट एंकल, राइट टोस, राइट हील्स, द एंटायर राइट पोर्शन ऑफ द बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड. Then coming to on to the left side. See your left fingers, left forearms, left shoulders, cheeks, your lips, chin, neck, your spinal cord, upper back, mid back, lower back, the entire body. Is completely relaxed. Feel the grounding. Feel the pulsations of your abdomen. Take a deep breath in and feel. Take another cycle of breath. And when you are completely relaxed, you take your arms on top of your head and interlace and give a good stretch. बॉडी को स्ट्रेंथन करें. अल्टीमेट जो एम होती है जब ध्याना पे हम लोग बैठेंगे बॉडी को स्टेबल रखने के लिए, फिर प्राणायाम करने से बहुत फ़ायदे होते हैं. हम सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला कभी भी प्राणायाम करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे कपालभाति से. कपालभाति इसके लिए कहा जाता है कि जब एक कपालभाति की प्रैक्टिस आप करेंगे तो कपाल फोरहेड में एक शैन आती है. और सबसे ज़्यादा गलतफहमियाँ योगा में प्राणायाम में जो है वो कपालभाति को लेके ही हैं ड्यू टू द यूट्यूब एंड द टीवी चैनल्स. कपालभाति इनिशिएशन जब करेंगे इनिशियली कोई भी 15 सेकंड्स से हाफ ए मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कंफर्टेबल है किसी को बीपी नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, एंगर इश्यूज नहीं है, जो स्टेबल है वो एक मिनट तक करेगा. धीरे 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 करके ओवर द ईयर्स जो टीवी में दिखाया जाता है आधा घंटा तक ले आना है. आधा घंटे तक आप ले आए आप योगी बन गए हैं. इतना आसान नहीं है. बिना प्रिपरेशन सालों की प्रैक्टिस के बगैर करेंगे तो वी विल एंड अप इन पागल. तो वी विल सी हाउ वी विल गो. कपालभाति में सिर्फ हम लोग एक्टिव एक्सेलेशन करेंगे, उसमें इन्हेलेशन जो है पैसिव होगी. तो वी विल नॉट इनहेल, वी विल ट्राई टू एक्सेल द कंप्लीट ब्रेथ एज मच एज पॉसिबल. जिसको पॉसिबल है वो एक सेकेंड में दो एक्सेलेशन करे, जिसको नहीं पॉसिबल है पहली बार जो कर रहा है वो एक एक्सेलेशन करे. जितना लोग पहली बार कर रहे हैं कपालभाति अभी सबको प्रैक्टिस है तो चलिए हम लोग करेंगे. हम सही मेथड दिखा देते पहले. तो आप सब हाथ अपना नावल के पास रखिए, बेली के नीचे हाथ रखिए, एक हाथ रखिए, उसको ऊपर उठाइए, हाथ से ऊपर उठाइए. समझ में आ रहा है ना? आप बेली से बॉडी को ऊपर खींच रहे तो एक्सेलेशन जो होगी यहाँ से होगी, सबसे लोअर लोब के नीचे. अब इसी के साथ साथ चेस्ट को ऊपर करने का कोशिश कीजिए. बेली को उठाइए, चेस्ट को ऊपर कीजिए. ये जब एक्सेलेशन करेंगे सब ध्यान दीजिए, डायफ्राम से कोई एक्सेल नहीं करेगा तो आपका कपालभाति करने का पर्पस सॉल्व नहीं होगी. एक्सेलेशन कंप्लीट हम लोग एक्सेलेशन करेंगे. डायफ्राम से करेंगे आप क्या करेंगे तो थोड़ा इनहेल कर रहे हैं आधा एक्सेल करें. टू फॉर ओनली 11 नोट्स. सब आँख बंद कर लीजिए. यू कैन कीप एनी मुद्रा प्रैक्टिस करने के लिए. नाउ स्टार्ट एक्सेलेशन. पॉसिबल जोर बढ़ाइए, एक सेकेंड में दो एक्सेलेशन कीजिए. ध्यान दीजिएगा कि बॉडी नीचे से उठेगी. नाउ स्लोली स्लो डाउन एंड रिलैक्स. ऑब्जर्व द वाइब्रेशंस इन द बॉडी. नाउ स्लोली ओपन योर आईज. नाउ वी विल प्रोसीड फॉर लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग. चंद्रबेदी एंड सूर्यबेदी. लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है बॉडी में चंद्र कूलिंग को रिप्रेजेंट करती है, राइट नॉस्ट्रिल जो है
वो एजाइल को रिप्रेजेंट करती है। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल जिसका एक्टिव रहता है उसका मेटाबॉलिक रेट कम रहता है, यही लोग जो है थोड़ा सा बहुत कम खाने के बावजूद भी तो मोटा मोटा सा रहते हैं। जिसका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव रहती है वो जितना भी खाए वो एकदम पतला सा होंगे, जो हड्डी निकलते हुए होंगे। तो इन दोनों का बीच में बैलेंस जब लाएगा तो मेटाबॉलिक रेट जो है नॉर्मल रहेगी। तो हम लोग तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, इन जनरल भी आप ध्यान देंगे तो इन्हेलेशन एक्सेलेशन जो होगी अल्टरनेशन से होगी। एक प्रॉपर जिसका होगा वो एक डेढ़ घंटा लेफ्ट से होनी चाहिए, डेढ़ घंटा राइट से होना चाहिए। जो पतला है जो मोटा है उल्टा होगा। किसी एक नॉस्ट्रिल से आप ज़्यादा इन्हेल करेंगे, 10 मिनट इन्हेलेशन लेफ्ट से होगी, फिर आधा आधा घंटा एक एक घंटा राइट से। प्राणायाम करने से उसमें बैलेंस आती है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे चंद्रवेदी। चंद्रवेदी में हम लोग सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही इन्हेल करेंगे, लेफ्ट से ही एक्सेल करेंगे। अगर इस किसी को नॉस्ट्रिल ब्लॉकेज है तब लेफ्ट से इन्हेल कर राइट से एक्सेल कर सकते हैं। उसके पहले सब लोग हम लोग चीन मुद्रा पे जाएंगे। लेफ्ट वाला हैंड चीन मुद्रा पे रखिए, राइट वाले को हम लोग नासिका मुद्रा पे रखेंगे। इसके लिए हाथ खोलिए, सब लोग हाथ खोलिए, इधर देखिए, मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर क्लोज कीजिए। अगर किसी को दिक्कत होगी क्लोज होने की जस्ट बेंड कर लीजिए। ये दोनों उंगली एक साथ रहेगा, सबसे लास्ट वाला ऐसे सारे लोग, मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर बंद रहेगा। तो हम लोग नॉस्ट्रिल को थंब फिंगर से क्लोज करेंगे, ऐसे थंब फिंगर से क्लोज कीजिए। अब हम लोग चंद्रबेदी, तो राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके रखिए। स्लो एंड जेंटल इन्हेलेशन होगा एज लॉन्ग एज पॉसिबल, स्लो एंड जेंटल एक्सेलेशन होगा। हमेशा कोशिश कीजिए एक्सेलेशन इन्हेलेशन से ज़्यादा होगा। अभी हम लोग 5 बार प्रैक्टिस करेंगे। क्लोज द आइज, इन्हेल स्लोली, जेंटल इन्हेलेशन, नाउ एक्सेल स्लो जेंटल, इनिशियल स्टेज। लेट्स स्टार्ट। इन्हेल, क्लोज द आइज, जेंटल इन्हेलेशन थ्रू द राइट नॉस्ट्रिल। We will be inhaling from the same nostril from where we have exhaled, then we will alternate the nostril. Now we will practice for 5 rounds or Nasika Mudra. Exhale from the left, inhale from the left, slowly, gently as possible, as long as possible, keep the calmness and close the nostril. Right nostril. Do not make any noise. If you are making the noise, it means you are pushing the body. The breath has to be as slow as possible. For the beginner who cannot inhale and exhale, just observe the breath. Change the nostril. Exhale. Inhale. Close the nostril. Exhale. On the other side. As gentle as possible. Exhale. Inhale. Close the nostril. Exhale from the other side. As gentle as possible. From the other nostril. As slow as possible. As comfortable as possible. Feel the calmness. करते वक्त बेल को आगे बढ़ाएं, हाथ करके आप सब लोग देख सकते हैं। स्लो इन्हेलेशन होगी, स्लो जेंटल एक्सेलेशन होगी, कभी भी फोर्सफुल नहीं होगा। नाउ इनहेल एंड ऑब्जर्व, ब्रिंग द बेली फ्रंट, नॉट यूज द मिडिल एंड अपर पार्ट, एक्सेल, टेक द बेली बैक, टकिंग। नाउ इनहेल, ब्रिंग द बेली फ्रंट, कीप द आईज क्लोज, exhale and bring it back. Inhale, bring the tummy front. Exhale, take it back. Inhale, bring the belly front. Exhale, one more round. Inhale and exhale.
तो नहीं, जब प्रैक्टिस बढ़ेगा कौन सी मुद्रा के साथ करना चाहिए एक बार हम प्रैक्टिस करने के बाद मैं बताऊँगा। तो आप बंद करिए, बंद करिए, सिर्फ हम लोग इसमें जो रेगुलरली करते हैं मोस्ट ऑफ अस चेस्ट, इसमें लोअर अपडोमिन और शोल्डर्स यूज नहीं करेंगे। जैस इनहेल एक्सहेल, जस्ट यूज द चेस्ट पार्ट, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब इसमें नोटिस कर लिए होंगे कि अब हमें जब नहीं इनहेल करेंगे अपर बॉडी को उठाएंगे तो इंटरनेशन में वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, फिर शोल्डर्स ऊपर जाएंगे टूवर्ड्स बैक, इनहेल टेक द शोल्डर्स बैक, एक्सहेल टेक द शोल्डर्स डाउन, डू नॉट यूज चेस्ट एंड अपने ओनली, इनहेल टेक द शोल्डर्स बैक, एक्सहेल टेक द शोल्डर्स डाउन, इनहेल टेक द शोल्डर्स बैक, इंटरनेशन फिर शोल्डर्स रोटेट करते हुए बैक एंड फिर द शोल्डर, नाउ सेम वे कम बैक, एक्सलेशन फ्रॉम द अपर मिडल एंड लोअर रिलैक्स, वन मोर राउंड, इनहेल फिल द बेली लोअर लो एंड रेस्ट थ्री लाइन लाइक दिस, बोथ द हैंड्स देखने के चिन्ह उल्टा बाय लो अपडोमिन देते हैं, देन चेस्ट चिन्मय मुद्रा, यू विल क्लोज ऑल द थ्री फिंगर्स, द सेम चिन्ह मुद्रा यू विल क्लोज द फिंगर्स एंड किडनीज लाइक दिस, चिन्मय मुद्रा। व्हेन यू डू शोल्डर्स ब्रीथिंग आदि मुद्रा, द सेम वी विल क्लोज क्लोज द थंब एंड क्लोज मुक्ति बनाने में, दैट इज आदि मुद्रा, मुक्ति बनाने के इसमें शोल्डर करेंगे। जब फुल ब्रीथिंग नॉर्मली जेंटली प्रैक्टिस करेंगे हम लोग फुल सी the changes and we will keep Garbha Mudra. Garbha Mudra is nothing but Adi Mudra aap banane ke dono haath ko laal rakhe kar rahe hain. Isse rakhe aap isme aapko complete awareness milegi. To ye char mudra hum log use karenge. To hum log full breathing bhi seekhiye, do aur hai grammar practice karenge. Grammar जो डेली रूटीन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ब्रीथिंग का भी आपके पास टाइम नहीं है, तो सिर्फ एक मिनट के लिए ग्रामरी कर दीजिए तो एक अलग मिक्स बोला जाएंगे। ग्रामरी के लिए आप हाथ दोनों उठाइए, जबरदस्ती कान नहीं बंद करिए, जल्दी जल्दी कान बंद रखिए, उसको आंखों के ऊपर फिंगर्स ऐसे रखिए, मेक द वाइब्रेशन क्लियर, जब प्रैक्टिस करेंगे ये भी नहीं चाहिए होते हैं। नौ टांग को लिख करके तालिक में लगाइए, ऐसे सब लोग देख सकते हैं, अंदर जो है टांग को मोड़ के कि तालिक में लगाइए। नाउ वी विल मेक ए बी साउंड, फीमेल बी साउंड, दैट इज सब लोग करते हैं, करने का
व्याख्या सही करें। ओंकार में तीन शब्द हैं आ उ म। आ की जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसमें लोअर लंग्स का इन्वॉल्व होता है, तो द बेबी फ्रॉम द नाभि, आ की साउंड जो है नाभि से आए हैं, आप फील कर सकते हैं कि वाइब्रेशन फ्रॉम द नाभि। ऊ की साउंड जो है वो यहाँ डायफ्राम इस चक्र से आती है, फिर इसमें आप वाइब्रेशन चेस्ट के पार्ट में फील कर सकते हैं। बाकी साउंड आपको पता है विद्रमण की है, वो यहाँ से गले से आती है। तो अभी हम लोग तीन तीन राउंड आउमा प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग शनवार का प्रैक्टिस करके तीनों सेशन वाइट करेंगे। क्लोज आइज, चिनुद्रा, सब लोग चिनुद्रा पे आइए, रिलैक्स होइए, कीप द बैक स्ट्रेट। ओपन द माउथ वाइडली एज पॉसिबल एज पॉसिबल एंड मेक ए आ साउंड, फील द वाइब्रेशन फ्रॉम द नाभि। Feel the vibration from the nabhi region. If it is coming from the middle, just increase the bass, then so it will come from the nabhi. Two more rounds. Feel the calmness in the body, observe the peaceness in the mind. While exhaling, सभी लोग उसको भरपूर उसका उपयोग करेंगे और इस तरीके की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाते रहेंगे, करते रहेंगे, इसको डेली आना चाहेंगे। आगे सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा आगे चल के, और अच्छा है कि शुरुआत हुई है। अगले साल मुझे लगता है कि और ट्रेनर्स आ जाएंगे नाम कराने के लिए। तो बस इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। राइट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, इसको धीरे धीरे, वन टू, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा।
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.